उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे के राजनीतिक दलों ने प्रदेश की जनता के सामने वादों की झड़ी लगा दी। इसी क्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बड़े वायदे किए। इनमें से एक वादा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी है। सपा की तरफ से इस योजना का लाभ पाने के लिए नाम लिखाओ अभियान की शुरुआत की गई। अब इस अभियान पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित जायसवाल ने आपत्ति जाहिर की और शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा, इस कैंपेन के तहत वोट के लिए लालच और रिश्वत दी जा रही है, ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने शिकायत में कहा, चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जांच कराकर रोक लगाए। अब चुनाव आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के बाद फैसला लेगा। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। आपको बता दें कि साल की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वादा किया था, उनकी पार्टी सत्ता में आई तो लोगों को 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त दी जाएगी और साथ ही सिंचाई बिल माफ किया जाएगा। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में नव वर्ष की बधाई दी थी और कहा था, 2022 में न्यू यूपी में नई रोशनी से नया साल होगा और 300 यूनिट घरेलू बिजली के अलावा सिंचाई बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने सबको कहा था, नव वर्ष सबको अमन चैन खुशहाली दे, सपा सरकार आएगी और 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली और सिंचाई की बिजली मुफ्त दिलवाएगी। और इन्हीं वायदों के बाद अब सपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।